वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, आज एग्जाम था मैथमेटिक्स का। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। कुछ लोग बीमार भी चल रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ का खास ख्याल रखेंगे। वीडियो इन्हीं दो पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज 7.1 टॉपिक हमारा जो रन हो रहा है वो चल रहा है डिफरेंस इक्वेशन। टॉपिक रन हो रहा है डिफरेंस इक्वेशन। बुक जो रन कराई जा रही है, बुक रन कराई जा रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस कैलकुलस। क्या कहा? डिफरेंस कैलकुलस के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन को मॉडिफाई करके बताया था कि किस तरह से ये कोरिलेट करती है, किससे डिफरेंशियल इक्वेशन से, किस तरह से सॉल्यूशन डिफरेंस इक्वेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी हद तक टैली होता है। बहुत पसीना पसीना हो रहे भैया अनूप, क्या बात है, एकदम सीधे बताइए। ये हैं पढ़ने वाले लोग, सीधे कॉलेज से सीधे साइकिल से हैं, बताइए। आज के समय कौन इतनी मेहनत करता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर ही आपके हाथ लगेगा। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। डिफरेंस इक्वेशन में हम लोगों ने बात की थी वाइस कस टू सी एफ प्लस पी आई की। किसकी बात की थी? वाइस कस टू सी एफ प्लस पी आई की। ये जो पी आई है ये क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, क्योंकि जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे उसमें पी आई हमेशा क्या जनरेट हो रहा था? जीरो। सी एफ जो था उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, तो सी एफ पर हम लोग एक बार फिर से जरा चर्चा करना पसंद करेंगे और देखते हैं कि किसको कितना याद है। सी एफ के लिए कितने केसेस बताए थे? हाँ, क्या बोलते हैं, कैसा रहा आपका जन्मदिन? अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट ले पाए? बढ़िया, तो फिर बोलो कौन कौन से केसेस बने थे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक केस बना था रियल के लिए, दूसरा केस बना था कॉम्प्लेक्स के लिए। जो रियल वाला केस था ये दो हिस्सों में टूट गया था। एक केस बना था व्हेन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। क्या कहा? व्हेन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि m की वैल्यू लैम्डा से, शायद बताया था, ठीक से याद नहीं है, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो जो सी एफ जाता है वो क्या चला जाता है? अखंड। सी वन लैम्डा वन टू दी पावर x प्लस सी टू लैम्डा टू टू दी पावर x, कोई समस्या? और यहाँ से अगर रूट्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, यानी लैम्डा वन कॉमा लैम्डा वन, तो फिर बोलो मानसी आउटपुट क्या देखने को मिलता है? लैम्डा वन x, कोई समस्या? यहाँ से कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्म यहाँ पर क्या बताया गया था? बिल्कुल सही जवाब है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो जब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की बात करते हैं, तो यहाँ से जो सी एफ जनरेट होता है वो क्या जनरेट हो जाता है? आर टू दी पावर एक्स फिर सी वन कॉस थीटा एक्स, बीटा एक्स नहीं थीटा एक्स, प्लस सी टू साइन थीटा एक्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अनूप, क्या बोलते हैं, संदीप, क्या आपकी छठ पूजा बेहतर तरीके से संपन्न हो पाई? तो आप मुझे बताएंगे क्या आपको वीडियो देखने का समय मिला था, तो क्या आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया? तो फिर आप मुझे बताएंगे थीटा यहाँ पर क्या है? टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। सभी लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तुम लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चल जाता है। आर की वैल्यू बताऊं? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 तक हम लोग पहुँच चुके थे, सी एफ अच्छे से याद हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की क्लास में पी आई पर हम लोग चर्चा करेंगे। पी आई पर चर्चा करने से पहले 3.2 में शायद क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ बात की जा रही है, थर्ड का पार्ट थर्ड। सी एफ देखिए, कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके की कंडीशंस गिवन कर दी जाती हैं, तो इसका मतलब होता है दैट यू हैव टू फाइंड आउट दी ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी ये जो आप थर्ड का पार्ट थर्ड डिस्कस करना चाहती हैं, मुझे कुछ महसूस होता है जैसे ये पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन से टैली हो रहा है। वहाँ पर भी तो कुछ सर्टेन कंडीशंस दी गई हैं, क्या करेंगे? इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और आउटपुट गेन कर लेंगे। यानी आउटपुट जो हमको मिलेगा वो C1, C2, C3 जो भी कांस्टेंट आ रहा है आर्बिट्री कांस्टेंट, वो वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या इसको बताने की ज़रूरत है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बताइए प्रभात,
हाँ कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रभात का कॉपरेशन मिला, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, और कोई इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जनता ने डिमांड की है, जनता ने डिमांड की है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लिया है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ प्लीज़ मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लिया है? वाई एन प्लस टू क्या यही है? शायद कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ गड़बड़ है, वी वाई एन इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ें, ठीक है। तो फिर कौन बताएगा? कृतिका आप मुझे बताएंगी, आप नोट कर रही हैं, आप मुझे बताएंगी एल्गो कहाँ से शुरू करते हैं, क्या कहती है एल्गो? सबसे पहले इसका हुलिया सुधारेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे, ई स्क्वायर सीधे लिख दें, ए ई प्लस बी, और यहाँ से वाई एन इक्वल जीरो। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अखंड ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं? एफएम में एम कहाँ से जनरेट होगा? ई से रिप्लेसमेंट के दौरान, यानी हमको देखने को मिलता है एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। बताइए भाई मानसी, जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं? श्रीधराचार्य, क्या आप मुझे पूरा फॉर्मूला सुना सकती हैं? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए, ए ए कुछ नहीं है वन है, यहाँ तक तो चीज़ें बन जाती हैं। अरे यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये आउटपुट किस में जाएगा, एक्चुअल में रियल में जाएगा या फिर इमेजिनरी में जाएगा? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे हमको दिया क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आगे क्या ही दिया जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है जब वाई जीरो है, जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो है, ठीक है। इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इसको इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं टू, कोई दिक्कत? यूजिंग वन गिवेन दैट, ऐसे लिखा जाए गिवेन दैट, क्या लिख दिया गया है, वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो। अपने पास यहां पर क्या चल रहा है, एन चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे एन की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे किसमें, एक्सप्रेशन वन में। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, वाई टू प्लस ए वाई वन प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी वाई नॉट, कितनी बढ़िया देखिए उन्होंने बात कही है, बी वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिंस सिंस मीन्स कुछ नहीं, सीधे बताओ, पुटिंग एन इक्वल्स टू जीरो इन कहाँ पर, वन पर, कोई दिक्कत? देखो y2 की वैल्यू गिवन की जा रही है, बोलो भैया, टू वन और ये डेड, यानी a की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस टू, ए तो पता चलता है, कुछ और भी गिवन है इसके अलावा? नहीं, y3 भी दिया है, y3 दिया है, तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही 1 पुट करते हैं देन दिस, और यहाँ पर सीधे लिख दें माइनस टू, अरे a की वैल्यू सीधे रख दिया है, यहाँ से y2 प्लस बी वाई वन इक्वल्स टू जीरो, बता देंगे पुटिंग n इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू माइनस टू इन 1। क्या मेरी बातों को सभी लोग बेहतर तरह से समझ पाए, क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया, y3 बोलो तो भैया 2, ये भी 2 था, अच्छा फिर y2 भी 2 है तो 4 हो गया, फिर b y1 की वैल्यू 1 है, माने मुझे लगता है कि b की वैल्यू माइनस टू नहीं प्लस टू होनी चाहिए। कोई समस्या यहाँ तक? जिन भी लोगों ने अटैम्प्ट लिया था क्या यहाँ तक सेम टैली हो रहा है? a और b पता चल चुका है, क्या हो चुका है, a और b पता चल चुका है। हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज कहाँ रखेंगे, हम लोग a और आप ही से पूछने जा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, पुटिंग a एंड b, a इक्वल्स टू माइनस टू, b इक्वल्स टू टू इन टू, तो m की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, टू टू जा फोर हो जाता है, फोर टू जा एट हो जाता है,
क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? होल अपॉन टू, देन एम इज टू, यहां से देखने को मिलता है टू प्लस माइनस, यहां से टू वाई इज द करेक्ट आंसर, टू आई अपॉन टू। तो मुझे लगता है एम इज टू वन प्लस माइनस आई। कोई समस्या? ये वाला हिस्सा किससे टैली हो रहा है? इससे टैली हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू इजिली जनरेट कर सकते हैं। बताइए भाई, जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यहां से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब अंडर रूट टू। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी भी मैंने कुछ रफ नहीं किया है। थीटा की वैल्यू भी हम जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट होगा? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या जनरेट हो जाता है? वन अपॉन वन, देन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है? पाई बाई फोर मिल जाता है। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। यहां से सी एफ जनरेट कर रहे हैं। सी एफ क्या जनरेट होगा? आर टू दी पावर एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने बताया है एक्स, ये तब जबकि सब स्क्रिप्ट एक्स के फॉर्म पर चल रही होगी। अपने पास किसके फॉर्म पर है? एन के फॉर्म पर है, एन के फॉर्म पर। तो अपने पास आर एक्स, आर टू दी पावर क्या जनरेट होगा? एन जनरेट होगा। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है आर टू दी पावर एन सी वन कॉस, देन सी वन कॉस पाई बाई फोर एक्स प्लस सी टू साइन एक्स की जगह पर एन आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? आर की भी वैल्यू पता है तो जो सी एफ बनता है वो बन जाता है अंडर रूट टू। और अगर क्या हम इसे ये लिख दें टू दी पावर एन बाई टू, तो गलत बात तो नहीं सिखा दी गई? यहां से सी वन कॉस एन पाई बाई फोर प्लस सी टू साइन एन पाई बाई फोर। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? जो सोल्यूशन जाएगा पी आई की वैल्यू मानसी यहां पर क्या होगी? जीरो होगी। पी आई की वैल्यू अनुप जीरो क्यों होगी? क्योंकि आर एच एफ जीरो है। सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन कैसे देते हैं श्वेता? यहां से जनरेट होगा वाई एन इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ध्यान देते रहना क्योंकि आंसर टैली नहीं करेगा। यहां से वाई एन इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू जनरेट हो जाती है एन बाई टू सी वन कॉस एन पाई बाई फोर प्लस सी टू साइन एन पाई बाई फोर। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा गिवन दैट और फिर वाई नॉट वाई वन वाई टू, उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जनरेट करने के लिए। माने अभी आप आंसर टैली करेंगे तो आंसर टैली नहीं होगा क्योंकि वहां कंडीशन दी गई है। तो मतलब सी वन और सी टू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एक बार हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को जीरो कर देंगे। तो वाई जीरो की वैल्यू जीरो गिवन कर दी गई है, ये जीरो हो गया। किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है तो वैल्यू क्या होती है? वन होती है। ये भी खत्म हो गया। यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है? तो यहाँ से सी वन की वैल्यू क्या जनरेट होगी? जीरो। कहाँ तुम लोग खो रहे हो गए हो? क्या जनरेट हो जाएगी? C1 को उठाया ला करके यहाँ रख दिया, ये खत्म हो गया। अब देखो जो तुम्हारे पास जनरेट हो रहा है उसमें C2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, N की वैल्यू को क्या करेंगे? बोलो भैया, वन। कितना बढ़िया, देखिए इन्होंने जवाब दिया। सब लोग देखिए मुंह खोल के एकदम सोचने लगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया, एन की वैल्यू वन पुट कर देंगे। जैसे यहाँ वन पुट करा क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा क्योंकि वाई वन की वैल्यू वन अभी आपने बताया गिवन है। बाकी आगे सिस्टम को सॉल्व करोगे तो जो C2 आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आपकी शायद समस्या थी। ठीक है, बढ़िया। तो जल्दी से क्या करेंगे, इसको सभी लोग नोट करेंगे और फिर हम लोग कुछ आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। एक्सरसाइज 7.2 हमारी कंप्लीट होती है, 7.3 की तरफ रुक करते हैं। 7.3 में भी CF और PI होगा। CF ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो 7.3 अगर हम देखें कि उसका मेन इंटेंशन क्या है, तो फिर वहां पर हमको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, हमको सिंपली फाइंड आउट करना है PI। तो हम लोग यहां पर जो चर्चा करने वाले हैं वो केवल PI की चर्चा करने वाले हैं। CF आप कंप्लीट कर चुके हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसका अपने पास कोई काम भी नहीं है। शीट सभी लोगों के पास अवेलेबल है और शीट में आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि PI किस किस मेथड से जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक देयर आर ओवरऑल 4 केसेस अराइज। कितने केसेस हैं? 4। तो केस नंबर 1 काफी हद तक हमारा टैली होता है किससे, जो हम लोग पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं उससे। फिर आगे कुछ मेथड्स जो हैं वो बदल जाते हैं,
और देखते हैं, सभी को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। सबसे पहला जो केस बनता है वो एक्सपोनेंशियल के लिए बनता है। शीतल, एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए की पावर एक्स, देखिए एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया और फिर से ये बात बोलोगे कि जिसको आता है वो कभी ये इंतजार करता है सर हमसे पूछें। प्लीज संदीप, क्या बोलते हैं, प्रशांत पैर नहीं हिलाएंगे। देखते हैं, पी आई की बात कर रहे हैं, पी आई की मान लेते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है एफ ई इक्वल्स टू आर। हमने ये मान लिया एफ ई इक्वल्स टू क्या चल रहा है, आर। ठीक है, तो केस नंबर वन उसमें बताया गया होगा जबकि आर क्या है, ए टू द पावर एक्स है, शायद बीटा टू द पावर एक्स बताया गया होगा। ए है, बीटा होगा, ए है, ए टू द पावर एक्स। अगर आर ए टू द पावर एक्स है, अरे अरे अरे, अगर R गलत बात है, अगर R A की पावर X है तो यहां से जो PI जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, F E A टू द पावर X। A टू द पावर X इस तरफ आ जाएगा और यहां पर बन जाता है F A, यानी सिंपली E का रिप्लेसमेंट किससे करा देंगे, A से करा देंगे। शीट में मिल रहा है ना, शीट में यही है, कुछ अलग है। अच्छा, उन्होंने फाई E फंक्शन एक मान लिया है फाई, कोई बात नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो चल रहा है वही चलता रहेगा, फंक्शन जो भी होगा वही रहेगा ए टू दी पावर एक्स। याद रखना कि जब तक ये इस बॉडी के इस तरफ रहेगा तो मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ है, और जैसे ये इस बॉडी के इस तरफ आ जाएगा तो मतलब क्या है, ये सॉल्व हो चुका है। केस नंबर वन सबसे आसान सा केस है, कोई दिक्कत? सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो यहीं से अराइज होते हैं। मैथड नंबर टू भैया सबसे कम पूछा जाता है, कितना कम पूछा जाता है, सबसे कम पूछा जाता है। श्वेता क्या हुआ, सदमे में आ गई है क्या? तीसरा नंबर बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सब याद हो जाएगा, परेशान नहीं हुआ करो, हम इसीलिए हर बार क्लास में पूछते रहते हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। मैं जानता हूं यार तुम लोगों के जीवन में बहुत व्यस्तता है, तुम लोगों को घर में पढ़ने का समय नहीं मिलता है। आर की वैल्यू देखो फिर जनरेट कर रहे हैं पीएक्स, आर की वैल्यू क्या जनरेट कर रहे हैं पीएक्स, पीएक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, पीएक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। जब से हम लोगों ने डिस्कस किया, देखते हैं इस सवाल का जवाब केवल संदीप दे सकते हैं मेरी क्लास में, तो संदीप आप मुझे बताएंगे कि जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं पर्टिकुलर इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, तो उस पॉलिनोमियल का सेंस किस तरीके के पॉलिनोमियल से होता है? बिल्कुल सही जवाब, किसने जवाब दिया है, तो आपको मिलेगी आज एक टॉफी। देखते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, शीट में लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी बुक में जब भी कहीं पॉलिनोमियल की बात होगी तो उस पॉलिनोमियल का सेंस किससे होगा, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल से होगा। फिर मुझे बताओ कि अगर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल गिवन होता है, क्या कहा, अगर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल गिवन होता है तो कौन सा ऑपरेटर d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरीके से काम करता है? नहीं भावुक हो रहे हो, अब यार ऐसे सारे लाइन से गिनवाओगे तब तो फिर कोई ना कोई तो सही निकल ही जाएगा, फॉरवर्ड ही है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना जब यहाँ पर पी एक्स होगा तो पी एक्स का यहाँ पर सेंस किससे होगा, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल से होगा, और फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस मेथड का, किसी भी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कैसे, किस मेथड से कन्वर्ट करते हैं? बिटिया एक्सपेंड तो तब करोगे जब फैक्टोरियल होगा, जब ऑर्डिनरी है, बिल्कुल सही जवाब है, सिंथेटिक मेथड का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक मेथड में एक हम डिस्कस करना चाहते हैं जो कि हमें बार बार मिलने वाला है, इसलिए इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ कि अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो एक्स स्क्वायर का फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में हम इसे कन्वर्ट करना है तो आउटपुट क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है, इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे क्या? मुझे सिंथेटिक मेथड का यूज करके बताओ, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। हाँ, आप ही ने शुरुआत की है तो फिर आप ही मुझे बताएंगे, कुछ मैं हेल्प करता हूँ फिर कुछ आप करेंगे, तो फिर वो गाना सुना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है और बात पूरी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर दिया गया है तो मैंने सिंथेटिक मेथड में क्या बताया था कि पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर सबसे पहले देखना, एक्स स्क्वायर गिवेन है यही हमारा टारगेट है, एक्स स्क्वायर गिवेन है तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट डेड हो जाएगा। अब बताइए, अब शीतल अब तो आप क्लास में थी, अभी भी आप क्लास में नहीं थी, थी या नहीं थी? इसके नीचे क्या लिखेंगे, वन, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, मानसी ये दो जीरो क्यों आए हैं? क्योंकि दिया नहीं गया। कितना बढ़िया ने जवाब दिया कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है और फिर कांस्टेंट आता है, दिया नहीं गया।
यहां पर अखंड आप मुझे बताएंगे इस तरफ कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, वन पुट करते हैं, वन पुट करते हैं, यहां पर वन, यहां पर और ये जीरो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, दोनों को क्या कर देते हैं यहां से फिर माइनस वन आएगा। बाबू जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं जी। अरे आगे समझने का प्रयास करेंगे, यहां से जीरो, यहां से दूसरा नंबर क्या जनरेट होता है, वन, और इसके बाद अब बोलो यहां पर कौन सा नंबर लेंगे, टू। देखो तुम लोग सब भूल गए हो, हैं कोई बात नहीं, जैसे ही फिर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो यहां से क्या मिलता है, वन। हाँ खत्म तो हो गया, तो यहां पर इसको रफ करते हैं और अब बताओ इसका फैक्टोरियल पॉलिनोमियल क्या बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है, टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रहा, ये एक्स की पावर वन का कोफिशियंट रहा, और ये कॉन्स्टेंट है, जीरो है, जीरो ही रहेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलता है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए इसको सॉल्व करके दिखा दिया, और साथ ही साथ इसलिए भी सॉल्व करके दिखाया ताकि जो लोग फैक्टोरियल पॉलीनोमियल भूल गए होंगे उनको याद आ गया होगा, सिंथेटिक मेथड भी याद आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पर काफी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है पॉलीनोमियल। यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब फैक्टोरियल पॉलीनोमियल होता है तो फैक्टोरियल पॉलीनोमियल के साथ में जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, वो फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या कहा, फॉरवर्ड ऑपरेटर किसकी तरह से बिहेव करता है, लाइक डी बाई डी एक्स, किसकी तरह से, लाइक डी बाई डी एक्स। तो याद रखना कि जब भी हम इस केस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर तुमको ई, हाँ फिर से अखंड आप मुझे बताएंगे शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, हाँ फॉरवर्ड माइनस वन, ई माइनस वन, ई इक्वल्स टू फॉरवर्ड प्लस वन, ई इक्वल्स टू फॉरवर्ड प्लस वन, या फॉरवर्ड इक्वल्स टू ई माइनस वन। मैंने कई बार पूछा और हर बार जो है मुझे एक संशय देखने को मिला है, मैं चाहता हूं कि आप इस संशय को दूर करें, ये बेहद जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट केस होगा। क्या बताया, जब भी हमें पॉलीनोमियल वाला केस देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर इस रिलेशन का इस्तेमाल करना होगा, एक ऑर्डिनरी पॉलीनोमियल को फैक्टोरियल पॉलीनोमियल में बदलना होगा, फिर आगे जो है हम रन करा देंगे। इन सब चीजों के साथ में एक कई बार मैं ये वाली सीरीज बता चुका हूं, और कई बार शीतल कहती है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, शीतल एक बार फिर से आपके लिए, वन माइनस डी टू दी होल पावर माइनस वन, सुनाओ क्या बनेगी सीरीज। हाँ गुड, बोलो बोलो श्वेता बोलो, कोई बात नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन, वन प्लस डी टू दी होल पावर माइनस वन के लिए केस सुनाओ, वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, वन माइनस डी टू दी होल पावर माइनस टू के लिए जो आप सुना रहे थे वो इसके लिए था, सही सुना रही थी, फिर से सुना दो, नहीं बोलोगी, बिल्कुल भी नहीं बोलोगी, अरे कौन सा, वन माइनस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर, ये प्लस रहेगा, ये पावर हमेशा निगेटिव रहेगा, पावर संदीप कहां पर, सही है, नहीं ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ठीक है माइनस नहीं है प्लस ही है, ठीक है, चार सीरीज का ज्यादातर हमारे पास काम होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, एक केसेस में तुमको और भी देखने को मिल रहा होगा, ये सारे जो भी रिप्लेसमेंट दिए जाते हैं, जैसे ये वाला जो रिप्लेसमेंट जा रहा है, ये रिप्लेसमेंट आपको तब देखने को मिलता है जबकि एफ ए क्या होता है, डज नॉट इक्वल जीरो हो जाता है, और अगर एफ ए जीरो हो जाए, क्या कहा, इफ एफ ए डज नॉट इक्वल टू, इफ एफ ए इक्वल टू जीरो, तब बोलेंगे भैया तीन केसेस, तीन केसेस, संदीप आप मुझे बताएंगे वो तीनों केसेस, आपने तो पढ़ा ही नहीं है अभी, आप नहीं पढ़ा, ये देखिए, हाँ हाँ बोलो, अरे 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 किसी को नहीं याद है, हाँ हाँ, अगर e माइनस ए, वहां पर देखो अगर e माइनस ए होगा और a टू दी पावर x होगा तो ये x a टू दी पावर x माइनस वन में बदलेगा, अगर यहाँ से दूसरा आउटपुट e माइनस ए का होल स्क्वायर a टू दी पावर x है तो ये बदल जाता है x a टू दी पावर x माइनस टू, क्लियर, नीचे से तुमको टू फैक्टोरियल देखने को मिलेगा, और इसी तरह से अगर क्यूब होगा तो x x माइनस वन x माइनस टू होल अपॉन थ्री फैक्टोरियल a x टू दी पावर क्या माइनस थ्री आ जाएगा,
नहीं मेरी बात समझे? देखो ये सारे केसेस आपको शीट में देखने को मिल रहे हैं, कोई समस्या? शीट एकदम सिस्टमेटिक है, बस शीट को क्या करना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, रात में खाना खाने से पहले और सुबह जागने के बाद, बस देखना है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। पूरी किताब आपको महज 2-3 पेजेस में कन्वर्ट करके दी गई है। देखते हैं कि क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, बुक शेयर करेंगे यार संदीप, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। 7.3, पूरी एक्सरसाइज से अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ओ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्या बात कह दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। हाँ भाई क्या कहा जा रहा है, वाई एन प्लस वन, बोलो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसका हुलिया सुधारने की जरूरत है, कोई दिक्कत यहां तक? इसको सबसे पहले किस फॉर्म पर लाते हैं, ई के फॉर्म पर लाते हैं, यानी ये लिखा गया है ई माइनस टू वाई एन इक्वल्स टू 3। चलिए भाई श्वेता, शीतल, आप मुझे बताएंगी, आप मुझे बताएंगी सीएफ क्या जनरेट होगा, पहले बताओ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसी में ई की जगह एम पुट कर दें क्या, इसी में एम की ई की जगह एम पुट कर दें? हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है एफ एम इक्वल्स टू 0 एम माइनस टू। चलिए भाई कृतिका से बात करते हैं, कृतिका से बहुत देर से बात नहीं हुई है, कृतिका आप मुझे बताएंगे सीएफ क्या जाएगा। हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, अब एक्स नहीं आएगा, ऊपर क्या चल रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। बताइए, बढ़िया, यहां तक सभी लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। पीआई की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, पीआई की, तो पीआई में यहां से क्या जनरेट हो जाता है, जो फंक्शन अपने पास चल रहा है वो जनरेट होगा ई माइनस टू, और साथ में यहाँ पर क्या जनरेट होता है 3। अब देखो कांस्टेंट के तो कोई केस ही नहीं है, बोलो है कोई केस कांस्टेंट के लिए अपने पास, देखो यहाँ पर जितने केस बताए हैं कोई कांस्टेंट के लिए, तब क्या करेंगे, अपनी शीट में देखो केस नंबर 5, अपनी शीट में देखेंगे केस नंबर 5, क्या बात वहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कुछ नहीं होगा तो 1 टू द पावर x होगा, भाई 1 का मल्टीप्लाई x बार कराओगे तो वही मिलेगा, शीट एक्चुअली x के लिए प्रिपेयर है, अपने पास क्या चल रहा है n, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा n, कोई समस्या? यानी अब हम क्या करेंगे, e का रिप्लेसमेंट किससे करा देंगे, 1 से करा देंगे, तो 3 1 माइनस 2, माने आउटपुट क्या मिलता है, माइनस 3 मिलता है, माने सी एफ क्या बन जाता है, वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो y y इक्वल्स टू क्या वाई एन बनेगा, वाई एन इक्वल्स टू सी एफ, भैया प्लीज आंसर टैली कराएंगे, और पी आई की वैल्यू क्या है, -3, दिस इज अ फाइनल आंसर। क्या संदीप क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है भैया, अनूप बढ़ा जाए आगे। अरे देखिए क्वेश्चन में आगे y नॉट दे दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे यूजिंग यूजिंग y 0 इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा 0 इक्वल्स टू c1, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, मान सी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां से 2 मिलता है, -3 मिलता है, माने c1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3/2 मिल जाती है, इस वैल्यू को उठाएंगे और उठा करके वापस से कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो वाई एन की वैल्यू 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। भैया ये मानती हैं, सब गलत करवा रही हैं। हाँ c1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 3, देन 3 टू द पावर n-3, क्या 3 कॉमन किया गया है, अरे यार ये लोग, आंसर आ गया, तब लगा एकदम आसान है, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है, मतलब 2 ही पार्ट हैं, एक बता दिया, एक तुम लोग कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखो सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सारे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर किसका, थर्ड का पार्ट 2, 3 × 2 d पावर n दिया गया है, तो जब इस तरीके से होता तो 3 कॉन्स्टेंट बाहर नहीं आ गया था, बच जाएगा 2 d पावर n, रिप्लेसमेंट दे देना है, नहीं मेरी बात समझी श्वेता, बिल्कुल नहीं समझी श्वेता, समझ रही हो, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए देखो तुमको शीट में केस नंबर 3-2 देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, कोई तुमको दिक्कत नहीं होगी, होगी कोई दिक्कत,
क्वेश्चन नंबर फाइव, अरे यार अखंड कहाँ तुम खोए हुए हो, अरे क्वेश्चन नंबर फोर फाइव भी देख लो। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये इसमें करना क्या है, ये मुझे लगता है जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो जस्ट लाइक दी क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन दिखा, और क्या करना है सेम वर्किंग है, कॉन्स्टेंट सारे निकालने होंगे ढूंढ डांड के, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है यहां से कुछ दर्द भरी बात शुरू होती है, कहां से, क्वेश्चन नंबर सिक्स से, क्यों, पॉलीनोमियल है ये देखिए, जो इस मूल तत्व को समझ गया है वही अब इस प्रॉब्लम को लगा पाएगा, और कीर्ति समझ चुकी है कि ये केस कहां का है, पॉलीनोमियल का है, इसलिए अब इनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, पॉलीनोमियल अब ये बता करके आ रहे हैं, अरे ये बता करके आ रहे हैं पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर सिक्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर हमने कहा था इंपॉर्टेंट, इसलिए देखो पहले निकाल के धर दिए हैं, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर सेवन की, बोलो भैया क्वेश्चन नंबर सेवन की चर्चा की जाए या ना की जाए, क्वेश्चन नंबर सेवन की चर्चा की जाए या ना की जाए, ठीक है फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को, सी एफ जनरेट हो जाएगा, सी एफ में जब आप ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालते हैं तो एफ एम एस कस्टू जीरो करते हैं, तो वहां पर आपको रूट निकालने होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको ऑपरेट करना बता चुका हूं, जिसमें बताया था कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, तो डिग्री तीन तक की जो इक्वेशन होगी वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि एक वीडियो में साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करूंगा, काफी डिमांड चल रही है, मैं देखता हूं, चार की नहीं हो पाएगी, ये तीन तक ही सॉल्व कर पाएगा, चार के लिए 991 ms इस्तेमाल कर लेना तो चार का हो जाएगा, लेकिन वो अलाउ नहीं होगा, 100 ms में केवल डिग्री तीन तक ही सॉल्व कर पाता है, जिन लोगों के पास 82 ms है उसमें केवल डिग्री टू तक ही होगा, डिग्री थ्री नहीं होगा, समझ गए। ये देखिए fx इक्वल्स टू 100 ms यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये देखिए उसकी स्क्रीन बड़ी होगी, वो बहुत महंगा आता है, और उससे बड़ा ले लो कि 5000 वाला 10000 वाला उसकी स्क्रीन और बड़ी होगी भाई, जैसा अब ये देखिए, अभी ये 500 रुपए का फोन खर्च किया तो इतनी छोटी स्क्रीन मिल रही है, और यही तुम 15000 का फोन लोगे तो उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कौन सा यार पता नहीं यार, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर सेवन, हाँ बोलो भैया क्या है नंबर सेवन, yn plus 1 6yn, ठीक है, सभी लोगों के लिए ये CW है, ये सभी लोगों के लिए CW है कि n square plus n plus 1 को तुरंत तत्काल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके बताएंगे कि आएगा क्या, किसमें कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में, हाँ ये क्लास वर्क है, हाँ जल्दी से तो CF मुझे लगता है आप लोग जनरेट कर ले जाएंगे, सीधे PI पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं भाई कैसी बातें आप कर रही हैं, अगर आप यहाँ 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी तो 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर चेंजमेंट होंगे, जल्दी से श्वेता जल्दी से कलम चलाएंगे, कलम उठा लेंगे, हाँ रूट्स तो पता चल जाएंगे 2 और 3, CF नहीं बता रहे हैं, CF बताएं क्या, सीधे PI बता रहे हैं, 1/ रूट्स जनरेट होंगे वो e-2 और e-3, यहां से बोलो यहां से क्या आउटपुट मिलेगा, 1 to 1, अरे नहीं भाई, हाँ बोलो, देखो यार नहीं कर पा रहे क्या बताइए शीतल, 1 to 1, हाँ बोलो यहां से क्या आएगा, x की पावर फिर हाँ नहीं ये कुछ गड़बड़ है, चलिए सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, बस हो गया आप लोगों का टेस्ट हो चुका है और पता चल गया आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अद्भुत, किसी ने भी गलत करवाया हो लेकिन अब ये जो वीडियो है ये हर एक के माता पिता के पास भेजा जाएगा और इससे पता चलेगा कि बच्चा क्लास में आजकल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो
तो यहां से भैया देखो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है वन, ये वाला कॉन्स्टेंट हमको मिल चुका है, यहाँ जीरो आता है एड हो जाता है वन मिल जाता है, यहां से फिर वन और यहां पर आउटपुट क्या मिल जाता है टू मिल जाता है, और इसके बाद में जब इसको ले लिया तो ये आ गया, तो मतलब ये वन टू वन, यानी यहाँ पर क्या मिलता है वन टू और फिर ये मिल जाता है वन। ठीक है कोई बात नहीं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है वन टू वन क्या मिलेगा, वन टू वन ठीक ठाक चल रहा है, सही है, आगे देखते हैं। चलो ठीक है आगे देखते हैं, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम हमारा किसके फॉर्म पर चल रहा है, एन के फॉर्म पर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या होगा एन होगा, यहाँ भी एक्स की जगह पर क्या होगा एन हो जाएगा, कोई दिक्कत। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पे आ चुके हैं, तो ये वाला केस जो है ये तीनों के साथ में क्या हो जाएगा सेपरेट, अब तीन के साथ में सेपरेट नहीं कर रहे हैं, दो के साथ में कर रहे हैं, किसके साथ में दो के साथ में, क्या देखने को मिलेगा वन अपॉन ई माइनस टू, फिर वन अपॉन ई माइनस थ्री, एन टू फैक्टोरियल, फिर वन फैक्टोरियल, कोई दिक्कत यहां तक, और प्लस वन अपॉन ई माइनस वन देन ई माइनस थ्री, यार ई माइनस टू आएगा और यहां पर वन आ जाएगा, वन को कुछ और भी हम लोग लिख सकते हैं, बताइए शीतल क्या लिख सकते हैं, वन टू दी पावर एक्स, क्या लिख सकते हैं वन टू दी पावर एक्स, सब लोग बोला करो ताकि आप सभी लोगों को क्लास में याद हो जाए, बिल्कुल सही जवाब है एन आएगा। आगे बढ़ा जाए, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन सिंप्लीफाई किया जाएगा और इसको हम लेकर के जाएंगे ई की वैल्यू, देखो हमारे पास है क्या वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर है या नहीं है, ये रिलेशन सिर्फ देखो आपको फ्रंट पेज पर ही देखने को मिल रहा होगा और फ्रंट पेज पर एक बड़ी सी टेबल मैंने दे दी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने कसम खा रखा है कि हमको नहीं पढ़ना है, वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस टू और फिर वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस थ्री, सेकेंड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल और फर्स्ट फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये प्लस साइन है, तो यहां से आपको आउटपुट में क्या देखने को मिलता है वन माइनस टू वन माइनस थ्री, कोई समस्या यहां तक, यहां से देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखने को मिल रहा है माइनस वन, ये देखने को मिल रहा है माइनस टू, यहां से बोलो कोई समस्या यहां तक, प्लस का वन अपॉन टू फॉरवर्ड प्लस वन है कहां पर, ये अरे भाई ये देखिए ये वाला केस, ये देखिए ये रहा आपके सामने, ये रहा, क्या करा देते हैं E का रिप्लेसमेंट हम लोग करा देते हैं A से और फिर आगे हमको ये मिल जाता है। आगे बढ़ा जाए, तो ये वाला किस्सा तो खत्म हो गया, इसका खेल हो चुका है क्या, इसका खेल हो चुका है खत्म, और यहाँ से अब बात करते हैं, बताइए भाई बताइए कृतिका आप क्यों ही इतना उदास बैठी हुई है, बताइए बताइए इसमें आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर लगेगा ये डन, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, डेन स्क्वायर माइनस प्लस, ये भी चलती है और ये भी वैल्यू समझ आती है, ये यहां से वन अपॉन टू, यहां से बोलो तो जरा आप इसके आगे क्या होगा भैया, बोलो मानसी क्या करना चाहिए हमको, यहां पर क्या करना है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स के लिए ओपन करना है, इन चार फॉर्मूलास को जब देखते हैं तो हमको क्या बात पता चलती है, अरे अब हमारी तरफ देख रही हो इधर देखो तुमको पता चलेगा इन चारों में क्या कॉमन सी बात है, हाँ हाँ अनूप अनूप मदर आपकी, हाँ बोलो, नहीं भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं, यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो रही है कि यहाँ पर वन सभी में है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए वन, तो हम कॉमन लेंगे, सवाल ये है किसको कॉमन करेंगे अखंड टू को, चलिए बहुत बढ़िया, मैं श्वेता से ही पूछने जा रहा था और श्वेता ने ही जवाब दिया, अति उत्तम, वन प्लस दिस माइनस दिस होल अपॉन टू, और यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू प्लस का वन अपॉन टू, इसी तरह से हर पेरेंट्स को होना चाहिए, कभी भी अचानक से आकर के छापा मार दीजिए देखिए बच्चा मौजूद है कि नहीं मौजूद है, हाँ आगे देखते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या हो सकता है भैया, ये वैल्यू ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, आगे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, इधर से थोड़ा सा रफ करते हैं, ये सब अब नोट कर चुके हूँ, ये सब याद भी हो गया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं, यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा वन अपॉन टू वन प्लस दिस माइनस दिस होल अपॉन दिस पावर माइनस वन,
बस 2 मिनट लगेगा, n2n+1/2। कोई समस्या? समस्या कोई? इसको एक्सपेंड कर दो, 1/2 पहली वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, दूसरी वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, माइनस एंड सो ऑन। और अरे यार अब फिर ये वैल्यू कुछ इसी तरह से आ जाएगी। देखो मैंने कलर चेंज कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये रेड वाला एक साथ है, ब्लैक वाला अलग चल रहा है। 1/2 अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हमको फॉरवर्ड ऑपरेटर कहां तक अडॉप्ट करना चाहिए, केवल 2 तक अडॉप्ट करना चाहिए। तो जरा कोऑपरेट करना मुझे, यहां से 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, 1 माइनस यहां से एक वैल्यू ये जनरेट हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 फॉरवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा, यहां से फॉरवर्ड ऑपरेटर 2 बनेगा। इसका जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो पहला टर्म जनरेट होगा 9 फॉरवर्ड स्क्वायर 4। नहीं समझे? नहीं समझी? बिल्कुल भी नहीं बात समझ आ रही है? ये वाला जो टर्म है प्लस साइन लगाया तो डेल स्क्वायर का यहां से कोफिशियंट क्या मिलता है, -1/2। ये बात समझ आई? आई से ब्रैकेट लगा दिया, बात समझ आई? फिर यहां से प्लस का साइन लगाया, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगी, ए स्क्वायर आएगा, पावर 4 हो जाएगा, डेड हो गया, बी स्क्वायर आएगा, 9 हो जाएगा, डेल स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 9/4 बन जाएगा, और फिर 2ab भी आता है। अरे 2 और 1, पावर 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाता है, जबकि पावर हमारे पास 2 तक ही है, इसलिए वो बेकार हो जाता है। अभी क्लियर है? यहां से हायर ऑर्डर जितने भी होंगे माइनस साइन के साथ में, वो सब किसमें बदल जाएंगे, वो सब शून्य में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? शून्य में बदल जाएंगे। ये एक साथ, ये एक साथ, 1/2, 1+3/2। संदीप तुम्हारी बारी है, अनूप तुम बताओ, अगर इसको हम यहां पर रन कराते हैं तो हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला 2 जो है, इसको इसको इधर देख लेते हैं एक बार, ये सब पहले हम लोग सीख करके आए हैं, शायद तुम लोगों को पता हो, इसके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और इससे 1 कम हो जाएगा, एक तो होगा। तो जब इससे इसको ऑपरेट कराया तो यहां से क्या मिला, 2। कोई समस्या? यहां से क्या मिल जाएगा, +2। यहां से फिर देखना एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 हो गया, 9 में 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा, 7/4 बना देता है। जब ये इसके साथ जाएगा तो डेड कर देगा, जब इसको इसके साथ लेंगे तो ये आंसर 2 देगा या नहीं देगा? कोई समस्या? नहीं समझे? और ये प्लस का 1/2 अपनी जगह पर है। आंसर भैया सब लोग टैली कराएंगे तत्काल, ये दोनों एक साथ लिए जा सकते हैं, ये दोनों एक साथ लिए जा सकते हैं, यहां से 1/2, ये वाला भी इसके साथ आ जाएगा, तो ये 2 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बच गया, 7/2 3/4 30/4 कैसे आएगा यार, सही बता रहे हैं? अरे ये इसको कैंसिल कर देगा, अच्छा तुमने कैंसिल नहीं किया क्या, 2 से 4 7/2, अच्छा चलो ठीक है, तो 30/4 मतलब 15/2, और यहां से +3, 2 से 2 कैंसिल, और फिर जो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है उसको ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में बदलोगे क्योंकि वो वही रहेगा। आंसर मैच कराओ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहो तो इसको अंदर भी भेज सकते हो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7th, सीएफ नहीं केवल पीआई, देखो पीआई, केवल पीआई, टू एन स्क्वायर आ रहा है। अरे बस बस बस, बात एकदम सही है, बात एकदम सही है। जब भैया इसको अंदर भेज रहे होगे, जब इस टर्म को अंदर भेजोगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगा, होगा या नहीं होगा? तो यहां से तुमको ये एन स्क्वायर प्लस एन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई समस्या? थोड़ा सा फिर से यहां से मॉडिफिकेशन आएगा, यहां से 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला जो आउटपुट है ये हमको पता था एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 ही था, इसी को तो लिखे दिए। यहां से जो अभी आउटपुट मिला था ये कितना मिल गया था, 2n+2, वो अब वो 1 अलग हो गया है,
और प्लस का 7/2 प्लस का 1/2, 1/2 ये होता है, एन स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 3n प्लस का 4n, 3n प्लस n माने 4n, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 2 जा 6, 13/2, 15/2, एक ये वाला वन। अब देखो भैया, अब हो सकता है कि इसको अंदर भेज दिया गया हो, तो ये दोनों फिर कांस्टेंट एक साथ ले लिए जाएं। आ गया, ठीक है, डन। अरे भैया इसको अंदर भेजोगे, 1/2 को अंदर भेजोगे तो दो कांस्टेंट फिर ऑपरेट कराए जाएंगे, कोई दिक्कत? क्लियर, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को एक्सरसाइज 7.3, हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 पूरा कंप्लीट करके लाना है, जल्दी एक्सरसाइज क्लोज होगी और जल्दी अब एक लंबी मैराथन शुरू होने वाली है, इसलिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। लगभग 3 से 4 घंटे की होगी, इस संडे नहीं, मोस्टली इसके अगले वाले संडे में ये क्लास रखी जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।